हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज जीवन चुफाल। गाइस, आज के इस ब्लॉग में आपको लेकर चलते हैं नेपाल की ओर। इंडिया की बाउंड्री नेपाल से कई जगहों से जुड़ी हुई है, जहां से हम बाय रोड इजीली नेपाल तक जा सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू तक बाई एयर भी डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। सो गाइस, अभी हम लोग बनबसा से नेपाल में एंटर करेंगे, जो कि उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। बनबसा की डिस्टेंस टनकपुर से 10 किलोमीटर, हल्द्वानी से 90 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 340 किलोमीटर है। महेंद्रनगर जाने के लिए शारदा बैराज के ऊपर बने हुए पुल को क्रॉस करना होता है। यह पुल हर दिन लगभग 2-2 घंटे के गैप में खुलता और बंद होता रहता है। अगर आप अपनी गाड़ी से नेपाल जाते हैं तो आपको शारदा बैराज से पहले अपनी गाड़ी की एंट्री करानी होती है। बनबसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर महेंद्रनगर है। 2008 में नेपाल के लोकतांत्रिक देश बनने के बाद महेंद्रनगर का नाम भीमदत्त रख दिया गया। महेंद्रनगर नाम नेपाल के राजा महेंद्र के नाम से रखा गया था। नेपाल में एंटर करने के बाद एक बार फिर से चेक पॉइंट पर नेपाल पुलिस के द्वारा गाड़ियों की एंट्री की जाती है और जो सामान होता है हमारे पास उसकी भी चेकिंग होती है। ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग शारदा बैराज के पास हैं और ये आप देख रहे हैं शारदा नदी बहती हुई। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आप देख रहे हैं। नेपाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें और जितने भी लोग गाड़ी में जा रहे हैं उन सब के आधार कार्ड होने ज़रूरी हैं। नेपाल जाने से पहले नेपाल की जो इंडियन एम्बेसी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास ज़रूर नोट कर लें, जो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में काम आ सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये अभी यहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं सड़कें, नेपाल की काफ़ी अच्छी सड़कें हैं यहाँ पर, जो हमने उम्मीद की थी उससे काफ़ी बढ़कर। चेक पॉइंट से थोड़ा सा आगे कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिस है। यहाँ से आपको नेपाल में रहने की परमिशन लेनी होती है। जितने दिन भी आपको नेपाल में घूमना है उसका आपको पर डे 300 रुपीज के अप्रोक्स चार्ज देना होता है। इस प्रोसेस में लगभग 20 मिनट से 2 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, सभी अपने अपना जो यहाँ पे परमिशन बनाने आते हैं। और अगर आपके पास फ़ोन में इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है तो इससे आगे आपका सिम काम करना बंद कर देगा। महेंद्रनगर से आप वोटर आईडी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देकर लोकल नेटवर्क की सिम ले सकते हैं, जो कि आगे पूरे नेपाल में एक्टिव रहेगी। और पूरे नेपाल में जो इंडियन करेंसी है वो एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको हिसाब जो है आपको हिसाब रखकर चलना होगा। इंडिया की जो एक करेंसी नेपाल की 1.6 करेंसी के बराबर है, ये चीज़ आपको नोट करके चलना पड़ेगा। सो गाइज, ये आप देख रहे हैं अभी हम लोग हैं महेंद्रनगर के बस अड्डे पे। यहाँ से आपको काठमांडू और नेपाल के जो भी अदर सिटीज हैं वहाँ के लिए ईजिली बस मिल जाती है, तो यहाँ से आप बाई रोड ईजिली जा सकते हैं। गाइज, आपको बता दें नेपाल में जो डीजल पेट्रोल के रेट है वो इंडिया से लगभग 10-15 रुपये सस्ता है, बट यहाँ पर गाड़ियों की जो कॉस्ट है वो इंडिया से 2-3 गुना ज़्यादा है। महेंद्रनगर में RTO ऑफिस से आपको नेपाल में रहने तक गाड़ी चलाने का टैक्स भी जमा करना पड़ता है, जो कि लगभग 60-65 रुपये पर डे है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रिक्शे में बैठकर महेंद्रनगर की सैर कराते हैं। महेंद्रनगर जो कि नेपाल की एक काफ़ी फेमस सिटी है, इसे शॉपिंग हब भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ज़्यादातर सामान है वो चाइना और तिब्बत से इंपोर्ट किया जाता है, और इंडिया के काफ़ी नज़दीक होने के कारण काफ़ी सारे लोग इंडिया से यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। इसके अलावा नेपाल का कल्चर काफ़ी ओपन कल्चर माना जाता है। महेंद्रनगर में भी आपको काफ़ी सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, कैसिनोज और बार्स देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इंडिया से भी यहाँ पर घूमने फिरने और इन्जॉय करने आते हैं। महेंद्रनगर से काठमांडू लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ की रोड्स हमारे अनुमान से काफ़ी अच्छी हैं और रोड्स के चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है। नेपाल में ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ना के बराबर हैं,
ज़्यादातर जो भी सामान है अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट होता है यहाँ पर। और नेपाल में टूरिज्म के अलावा कृषि और पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कंचनपुर। कंचनपुर कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूर है कंचनपुर? अच्छा, पूरा एरिया को ही कंचनपुर वाला वो है। अच्छा, वाइट वाला है ना? बिल्कुल। उधर है यहाँ से काठमांडू कितना किलोमीटर है? कितना घंटा लगता है? अभी गाड़ी में बैठेगा तो सुबह 7 बजे आपको यहाँ से रेलवे जाता है सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं महेंद्रनगर बस अड्डे की ओर। यहाँ से हम लोग काठमांडू के लिए बस पकड़ेंगे। तो चलिए, आज के ब्लॉग में बस यहीं तक। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।